नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे ज्ञानी बाबा चैनल को। ये SSC, UPSC, BPSC, RRB, CDS के लिए उपयुक्त चैनल है। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाएंगे, पिछले साल के कुछ आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे। अगर इसे आप कर लेते हैं तो गारंटी कहते हैं कि यहाँ से आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी कुछ नॉलेज की प्राप्ति हो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन है? तो जैकाइंडा आर्डन इनका नाम है। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक कौन है? तो इराक इनका नाम है मुस्तफा अल कादिमिनी। आगे चलते हैं तो आगे है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन, आप लोग जानते ही होंगे इनका नाम। उसके बाद आगे चलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया मखाइला मुसहस्टीन है। उसके बाद अभी हाल ही में बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशुहाइड सुगा। और लास्ट में अंततः यह है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि आपको बताना है कौन है। आप सभी जानते हैं, पर फिर भी अगर आपको जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दें कि कौन है। अब आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज के बात करते हैं, क्योंकि SSC आजकल खूब एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी दे रहा है। तो कुछ चार पांच सवाल मैं लाया हूँ जो कि सीधा सीधा आपको एग्जामिनेशन में देखने मिल सकता है। तो सबसे पहला है, मित्र शक्ति यह किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह हुआ था। अब चलिए दूसरा, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार दो मजबूत देशों के बीच में हुआ था, भारत और यूएसए। ये यूएसए एक बहुत पावरफुल कंट्री है, आप जानते ही होंगे। अभी हाल में यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो जो बिडेन यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप से निर्धारित किए गए थे। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। अजय वॉरियर ये किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच में ये दो एक्सरसाइज हुआ था। आइए मालाबार पर चलते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज है, ये चार देशों के बीच में हुआ था, जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये चार एक्सरसाइज है आपको मैंने याद करवाया है, आप इसे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जैसा एक्सरसाइज का क्वेश्चन SSC हो, UPSC हो, BPSC हो, RRB, NTPC हो, किसी भी एग्जाम में दे ही रहा है, एक से दो एक्सरसाइज आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो हाल में एक्सरसाइज हुए हैं उसी को। आइए हम इसके साथ कुछ RRB NTPC के 7 जनवरी के जो क्वेश्चन है उनको भी लाए हैं पहले शिफ्ट के। सबसे पहले यहाँ पर है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में। भारत में हेरिटेज साइट जो कि यूनेस्को द्वारा निर्धारित की जाती है, तो टोटल 38 है। पहला भारतीय नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो CV रमन साहब थे, फिजिक्स में मिला था इनको रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। बिहार के CM कौन है? सभी को पता ही है, नीतीश कुमार बिहार के CM है। उसके बाद कुछ ब्रांड एम्बेसडर से भी NTPC सवाल डालती ही है, तो जैसा कि देखा है आपने फर्स्ट शिफ्ट में दिया ही है। पुमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर जो है पुमा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया था? तो आरोग्य सेतु ऐप जानते ही है, कोविड द्वारा गया, हमारा नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप है जो कि भारत सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद चलिए, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? यह भी बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है, कौन से पद पर है, कितने नंबर की वो प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे मोदी जी कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, कौन से प्राइम मिनिस्टर है? तो रामनाथ कोविंद हमारे 14वें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। भारत का कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है इसका जवाब। और यहाँ पर बहुत सारे केरला और कर्नाटक में लोग कंफ्यूज होते हैं, केरला को हम लोग स्पाइस गार्डन के नाम से जानते हैं। एक पोर्शन का सवाल को मन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेस में नॉर्वे सबसे ऊपर था, ठीक है। जैसे पर थी, मतलब GDP के अनुसार, मतलब 2019 में भारत की GDP कितने स्थान पर थी? तो ये GDP रैंकिंग के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि हमारा भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना नंबर पे है। तो उसके बाद तो 142वीं स्थान पर थी। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 2018
एशियाई गेम्स कहाँ हुआ था, तो जकार्ता में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पूछा जा रहा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया गया था, ये थ्योरी दी थी। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे एटीएम का भी पूछा गया था पिछले साल, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन काफी टफ नहीं होता है, पर सिर्फ बात यह है कि आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, कोई ज्यादा यहाँ पर थ्योरी या कोई स्टेटमेंट दे के एसर्शन दे के आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, वन है, टू है, सही। सीधा एक स्टेटिक पोर्शन दिया जाएगा, उस पर सीधा आपको जवाब देना है। विंडो 10 का लॉन्च कब लॉन्च हुआ था, विंडो 10 कब लॉन्च हुआ था, तो 15 जुलाई 2015 में विंडो 10 को लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी को पता है बदरुद्दीन त्याबजी थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से सेशन के अध्यक्ष थे, जब इनको अध्यक्षता मिली थी तो ये कौन से सेशन में थे, और उनका ईस्वी भी डालना, मतलब कौन सा ईयर में बने थे ये। हमारे शरीर में हड्डी से जुड़ी हड्डी किससे जुड़ती है, लिगामेंट से जुड़ती है, इसे हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है डायनामो। It's 13:03. पर उधर के नॉर्थ ईस्ट के लोग इसे शायद बना दे, पर आप सभी को जानना है चाहिए। त्यौहार भी आजकल पूछ रहा है, और त्यौहार में नॉर्मल सवाल नहीं पूछ रहा है कि गरबा कहाँ का है, गिधा कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, रफ कहाँ का है, ये सब नहीं पूछ रहा है। आप कुछ कर दे, कमेंट कर दे, जो गलती हो उसे माफ करे, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, और आगे मैं और अच्छे कंटेंट लाऊंगा। It's 13:04.